है, बहुत क्लोज है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आप सब लोग तो ठीक ही हो गए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मतलब यहाँ से नज़दीक सीजन मॉल गया था, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि अपने पुणे में फर्स्ट टाइम कार्तिक आर्यन जो एक्टर है, अभी रिसेंटली भूल भुलैया 2 लास्ट वीक रिलीज हो चुका है, तो उसके प्रमोशन के लिए वो सीजन मॉल आए थे। और मतलब मेरा कुछ प्लान नहीं था वहाँ पे जाने का, ऐसे अचानक से बन गया है। तो मैं और मेरा छोटा भाई वहाँ पे जाके आए वहाँ पे, और एंजॉय भी किया नहीं क्या। और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने क्लोज से मतलब नज़दीक से एक्टर को देखा, मज़ा आया और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला मुझे, और आपको भी वीडियो में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। थोड़ा सा डांस वगैरह किया और लेट हुआ उनको आने के लिए, और फर्स्ट थिंग व्लॉग स्टार्ट करने वहाँ पे मुझे चांस ही नहीं मिला बिकॉज ऑफ क्राउड की वजह से, बैकग्राउंड साउंड की वजह से, मतलब कुछ सुनाई नहीं दिया था। मैं बोला चलो फिर घर पे जाके करते व्लॉग स्टार्टिंग। एंड पहली बात तो वहाँ पे क्राउड में ज़्यादा से ज़्यादा तो गर्ल्स थे, मतलब गर्ल्स की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है कार्तिक आर्यन के लिए। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है। और आगे आप देखो व्लॉग में आपको भी मजा आएगा। उसी 50 मिनट्स वही रुके थे, अपना व्लॉग छोटा ही रहेगा। आप भी मजे करो, थोड़ा एंजॉय करो। और गाइस, हाँ आपको और एक बात बताना था, और पूरे मतलब मॉल में जितना क्राउड था ना, क्राउड तो जहाँ से एंट्री करने वाले थे कार्तिक आर्यन, तो वहाँ पे वो डोर में ना वो जो एंकर लोग अंदर आ रहे थे, उनको लगा सब एक्टर ही आ गए, मतलब कार्तिक आर्यन आ गया अंदर, नहीं क्या। तो जैसे वो डोर ओपन हो गया, सब लोग चिल्ला रहे थे, मतलब नहीं क्या, सब लोगों का, और सबने मोबाइल भी निकाला था क्लिक करने के लिए। बहुत मजा आया, मतलब हम लोग बहुत हंस रहे थे, मैं और मेरा छोटा भाई बहुत हंस रहे थे, बहुत फनी था। और हाँ, आज RCB का मैच भी था ना, तो RCB का मैच के लिए वो पूरे मतलब मॉल में सब लोग RCB चिल्ला रहे थे। आप देखो अभी आपको वीडियो में दिख जाएगा आगे, मतलब आपको दिखेगा अभी। कार्तिक आर्यन जी आने वाले थे 6:30 PM को, बट वो आ गए 9:15 को, 2 घंटा लेट हो गए उनको आने के लिए। क्यों? बिकॉज पुणे में ट्रैफिक भी है, और आई थिंक वो और एक जगह पे जाके आए प्रमोशन करके आए, इसके लिए उनको लेट हुआ। और उनके आने के पहले थोड़ा डांस वगैरह भी हुआ उनके सॉन्ग्स पे, तो वो डांस भी है, देखो ये डांस, ये तो जो एंकर लोग है ना, उन्होंने ये डांस रखा था, और ये डांस देख लो।
आपको और एक बात बोलनी है, भूल भूले है तू जो मूवी है ना, सीरियसली बोलू तो बहुत कॉमेडी मूवी है, आप फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड के साथ देख सकते हो, थोड़ा हॉरर भी मूवी है और सीरियसली बहुत फनी मूवी है, आप देख लो। क्योंकि जिस दिन रिलीज हुआ था ना उसी दिन मैंने वो मूवी देखा और सीरियसली मेरा रिव्यू वही है कि आप जाके देख लो भाई, सीरियसली बहुत अच्छा मूवी है। चलो फाइनली कार्तिक आर्यन आ गए, आपने व्लॉग देखा ही रहेगा, बहुत एंजॉय हुआ। उन्होंने मराठी में भी दो शब्द बोले और उन्होंने ये भी बोला कि पुणे में मतलब ऐसा क्राउड मैंने कभी नहीं देखा, मतलब मॉल में ऐसे मतलब मूवी का जितना उन्होंने ये किया है, मतलब क्या बोलते प्रमोशन, तो उसमें उतना उन्होंने क्राउड नहीं मिला उनको आज तक। और अभी देखते हैं किसका क्या है, मतलब कुछ पता नहीं, बट मजा आया, मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया गाइस, और आपने भी एंजॉय किया। और मेरे साथ मेरा पार्टनर था, मेरा छोटा भाई सोनू, क्यूट बॉय। और अगर गाइस आपको वीडियो ये पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों में शेयर करो, फैमिली में शेयर करो, एंड सच में अच्छा लगा तो शेयर करो, ये वीडियो तो वायरल होना ही होना है। चलो तब तक के लिए बाय।